खुश हैं। अच्छा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कसर इनकी इतनी है कि इनको ये कानून पहले ही वापस लेना चाहिए, पहले ही करना चाहिए था, पहले लेट हो गए, काफी लेट हो गए। लेकिन आपको लग रहा है चुनाव है यूपी में, आप किसान फिर जाएंगे बीजेपी के साथ? 80% समर्थन देंगे, 80% समर्थन है, हालांकि 20% नाराजगी जरूर, 20% नाराजगी फ्री रहेगी, यानी लग रहा है कि बिल्कुल। देखिए हम इटावा में हैं, दर्शकों को बता दें कि हम यूपी के इटावा में हैं और यहाँ की अनाज मंडी में हैं और यहाँ पर देखिए धान की खरीद हो रही है और धान बेचने यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो आज की खबर है, आज देश की सबसे बड़ी खबर यही है आकांक्षा, कि कृषि कानून वापस ले लिए हैं सरकार ने। और जब जब राजनीतिक बात होगी, जब जब राजनीतिक ऐतिहासिक इतिहास में ये लिखा जाएगा, क्योंकि कृषि कानून का एक लेकर लंबा आंदोलन चला और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, सुबह 9 बजे के आसपास उन्होंने देश को संबोधन किया, सबकी नजरें थी टेलीविजन पर। जब कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री आज देश को संबोधन करेंगे, आज संबोधित करेंगे, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वही बड़ा ऐलान हुआ। कोशिश कीजिए, आपके पास कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं, कोशिश कीजिए उनसे बात हो सके तो। मैं बात करता हूँ। चाचा किसान है आप? हम आप कर तो चुके बता। अच्छा चाचा, आप कृषि कानून वापस ले लिए हैं, खुश हैं आप? अरे खुश तो है मोदी जी के फैसले से, फिर किसान को फसल को उचित मूल्य मिलना चाहिए। उचित मूल्य मिलना चाहिए भाई। चाचा आइए, 1940 को जो है गवर्नमेंट, चाचा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार कह रही कि हम समझा नहीं पाए, हो सकता है कि हमारी तपस्या में कमी रही हो। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बहुत अच्छा। तो यानी मानते हैं सरकार ने अच्छा कदम उठाया? अच्छा कदम उठाया। अच्छा, तो इससे आप मानते हैं कि अब क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि ये किसानों की जमीन हड़पने के लिए कानून लाए जा रहे थे, तो आप लोगों को भी शंका थी क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। फिर जो किसान विरोध कर रहे हैं वहाँ पे, फिर अरे सब अपना पार्टी प्रोटेक्ट के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो पार्टी उल्लू सीधा, उल्लू सीधा करने के लिए। अच्छा, नहीं आप लोगों को लग रहा था कृषि कानून जो पारित करो भाई, सार्वजनिक रूप से पब्लिक को समझाने की जरूरत तो होती। लेकिन देखिए किसान कह रहे हैं कि कुछ पार्टी से लोग जुड़े रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था, हालांकि इटावा में ज्यादातर किसान कह रहे हैं कि सरकार का फैसला है वो बहुत अच्छा है। दर्शकों को बता दें अब तक की सबसे बड़ी खबर टेलीविजन की, बहुत बड़ी खबर है और इसी पर हमारी भी यही कोशिश है कि जो अलग अलग जगहों के किसान है उनसे प्रतिक्रिया ली जाए, ये बहुत जरूरी है विशाल। लेकिन अभी चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल, चुनाव नजदीक हैं और यही वजह है कि बीजेपी पश्चिम में बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही थी और इसके साथ साथ पश्चिम का असर बुंदेलखंड में भी दिखाई पड़ा था। कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं सीधे। कितना हाँ। आप असर देख रहे हैं, कितना आप लोग जो है, आप लोग को ये लग रहा है कानून जो है वापस लिया गया? नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून तीनों वापस लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। लगातार हम लोगों के द्वारा 11 महीने से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। कितनी राहत हुई आप लोग को आज के इतने बड़े फैसले को, आज प्रधानमंत्री महोबा भी आ रहे थे, बड़ी परियोजनाओं का लाभ देने वाले थे। हाँ, हमारे लिए तो दोहरा खुशी का मौका हो गया, क्योंकि आज जो ये बुंदेलखंड परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो उसके लिए एक बहुत राहत की बात हो जाएगी। सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा हमीरपुर बांदा और महोबा जिला, तीन जिलों के लिए। और जो कृषि कानून वापस ले लिए, तो किसान जो परेशान था बेचारा, सर्दी में बरसात में उसने अपना लगातार अनशन जारी रखा, तो संसद को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे थे कि नहीं हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने वापस ले ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। तो देखिए ये खुशी है चेहरे पर, और चेहरे पर खुशी बता रही है कि हाँ। जो कानून वापस लिया है उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कुछ और भी किसान है? देखिए खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, क्षेत्र में ही मौजूद है और सभी किसानों के चेहरे से सपना। लेकिन मुझे लगता है देव दीपावली के मौके पर और प्रकाश पर्व के मौके पर इससे बड़ा तोहफा किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम दिन चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के दिन ये बड़ा ऐलान किया। हालांकि महोबा और झांसी में रैली भी थी, लेकिन उससे पहले ही आज देश के नाम संबोधन में एक बार फिर से। लेकिन एक चीज और देखिए आकांक्षा, आप आज जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया, उन्होंने ये भी कहा कि भारी मन से ये कहता हूं, क्योंकि मैं कृषि कानून जो लेकर आया था, ये जो हमारी सरकार कृषि कानून लाई थी, वो किसानों के हित में थे। सीधे सीधे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा है कि किस तरीके से जो है ये कृषि कानूनों का विरोध किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया, और उसके बाद
हमें वापस लेना पड़ा है। एक चीज और आपको बता दूं, राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है और ये कहा कि देखिए अभी वापसी का ऐलान कर दिया गया लेकिन जब तक रद्द नहीं होगा, संसदीय कार्यवाही पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, यानी कि अभी भी बिल्कुल। कुछ और नौजवान किसान भी उनसे बातचीत कर लेते हैं, जैसा आपने सुना, देखिए अभी विशाल बात कर रहे थे तो लोगों ने धन्यवाद भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात को सुना, आज प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, भारी मन से ही सही लेकिन उन्होंने कहा कि किसान क्योंकि परेशान है इसलिए हम वापस लेते हैं, कितना शुक्रिया अदा करेंगे प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कार्य कर दिए इस देश के लिए वो 50 साल पहले 100 साल पहले किसी किसानों के लिए हुआ था, और मेन मुद्दा राम मंदिर बनवा दिया खड़े खड़े, ये बताइए किसानों के लिए कितना काम कर दिया था आप, किसानों के लिए ही उन्होंने कहा कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूँ किसानों के लिए, कि बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, बाकी योगी जी तो ढीले ढाले काम उनका। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सपना हम की किस तरह से मिठाइयां बांटी जा रही है और मुंह मीठा करा रहे हैं किसान एक दूसरे का इस फैसले के बाद, लेकिन जेपी मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से जो ट्वीट आया है उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया है पार्लियामेंट्री सत्र में ये पूरी तरह से जब तक रद्द नहीं हो जाता घर वापसी तो नहीं करेंगे, अभी आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। देखिए जिस तरह राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है आकांक्षा ये समझना होगा, जिस तरह बीजेपी ये कह रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है भारतीय किसान यूनियन और विपक्ष की तरफ से, अगर इस ट्वीट को देखेंगे क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद आते और देश को संबोधन करते और वो विश्वास और भरोसा दिलाते कि हम कानून वापस ले लेंगे और कानून वापस लेने का फैसला कर लिया गया है, बावजूद इस तरह का ट्वीट कहीं ना कहीं राजनीतिक हथकंडे को दिखाता है और उसका देखिए सीधे सीधे यही होगा और बीजेपी ये बात कहेगी कि देखिए जो राकेश टिकैत ने ये कहा है ये सिर्फ और सिर्फ आप सोच सकते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री आपको आश्वस्त कर रहा है कि हम वापस ले रहे हैं और जब सदन चलेगा तब इनको पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बीजेपी इस तरीके से इसको लेगी इस ट्वीट को, आप देखिए इस पर सियासत भी होगी। लेकिन हमारे साथ और भी किसान है, आप कहां से आए? नवादा ज्वाला प्रसाद। अच्छा, जिला से। और ये जिला से आए तो आप किसान खुश है सरकार ने फैसला ले लिया? हां खुश है क्योंकि बहुत लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा था। संघर्ष चल रहा हूं। अच्छा तो लंबे वक्त से चला। चाचा आप खुश हैं? आप फसल लेकर आए हैं? हाँ हम खुश हैं। आइए मोदी जी से।